गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिके जिस सर में आज 26 मई और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते देखिए आज के अपडेट क्या है। पेपर आउट हुआ तो बोल रहे अभ्यर्थियों को मुआवजा दो, ये कैसे संभव। सीएम अदावत, पायलट का नाम लिए बिना गहलोत का निशाना। महिलाओं को रोडवेज की सभी बसों में 50% की छूट। जो एक साल में 1.39 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े, ये 13% ज्यादा। युवाओं के काम की दो अच्छी खबरें हैं यहाँ पर। अब नेशनल विश्वविद्यालय की 15 फर्जी मार्कशीट से फार्मेसी काउंसलिंग ने किए रजिस्ट्रेशन, ओपन स्कूलों से खुला फर्जीवाड़ा। 12वीं आर्ट्स में पूरे प्रदेश में हम अव्वल आए, ये गर्व की बात, पर सच्चाई ये भी कि हमारे जिले में 573 सरकारी स्कूलों में से 529 में केवल कला संकाय ही। व्याख्याताओं के अभाव में शिक्षा विभाग चाहकर भी दूसरे संकाय उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। 12वीं कला पिछले साल से 3.98% घट गया परिणाम, लड़के लड़की दोनों का रिजल्ट घटा। सीकर की विदुषी के आए सबसे ज़्यादा 99.20%, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉमर्स की विचारित सूची में 273 अभ्यर्थी शामिल, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा कॉमर्स का रिजल्ट जारी। प्रदेश के 184 स्कूलों में विज्ञान संकाय स्वीकृत। मैनेजर, जू इंजीनियर व अन्य के 64 पदों के लिए नौकरी के अवसर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन में निकली भर्ती, 31 मई है अंतिम तिथि। 12 जून असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी पदों पर भी निकली भर्ती। ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। 1 जून से सरकारी अधिकारी कर्मचारी ले सकेंगे एडवांस वेतन, राजस्थान देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य। प्रदेश में 32वें नंबर पर रहा कोटा, 8.97% गिरा रिजल्ट, लेकिन छात्राएं 8.09% अधिक पास। 12वीं कला रिजल्ट करीब 4% कम, पर कोरोना काल से पहले की परीक्षा से 1.65% ज़्यादा। 2021 में 5.86 लाख प्रथम श्रेणी थे, ये रिकॉर्ड। RBSE 2017 की तुलना में 2023 में 1.40 लाख स्टूडेंट्स आर्ट्स में बढ़े। जिले के 25 छात्रावासों में 1207 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश, ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई तक। एक विद्यार्थी अधिकतम 3 छात्रावासों का चयन कर सकेगा। 24 जून से शुरू होगा स्कूलों में नया सेशन, निजी स्कूलों में अभी से तैयारियां शुरू। शैक्षणिक सत्र 2023-24 सरकारी स्कूल के बेटे बेटी को 97.20% अंक। संघर्ष का परिणाम, दोनों के पिता करते हैं खेती, ललित आरएस तो मधुसूदन बनना चाहते हैं लेक्चरर। 2.75% गिरकर 92.88% परिणाम। 17,084 में से सिर्फ 36.79% यानी 6,285 फर्स्ट डिवीजन, 7.12% फेल या पूरक। 12वीं आर्ट्स परिणाम। पालनहार योजना, सहायता राशि में बढ़ोतरी, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ। अब 6 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपये के स्थान पर मिलेंगे 750 रुपये, 6 लाख बच्चे होंगे लाभान्वित। CTET का 17वां संस्करण जुलाई में, ऑनलाइन आवेदन आज रात तक। अनिवार्य विषयों, हिंदी और अंग्रेजी के बाद पॉलिटेक्निक साइंस भूगोल पसंदीदा विषय। साहित्य में हिंदी टॉप पर, 4.92 लाख स्टूडेंट्स ने ली थी 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट। SBI के 11वें यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम में 31 तक आवेदन। डाक विभाग में 12,828 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 11 जून तक। इंग्लिश मीडियम स्कूल में संविदा पर 9,712 शिक्षक लगाने की तैयारी। मुकुंदरा को अगले माह में मिलेंगे 12 फॉरेस्टर गार्डों की भी होगी भर्ती। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का चर्चा सुविचार। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ आज की अपडेट समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।